हिसार दे सांसद जवाब दे सांसद कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी एवं सांसद रंजीता रंजन ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं की नर्वस टटोली। कांगड़ा में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रंजीता रंजन ने कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति भी बनाई। कांग्रेस सह प्रभारी रंजीता रंजन ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को बांटने का काम किया है, जिसका ताजा उदाहरण कर्नाटका विधानसभा चुनावों में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करने की खातिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिस कारण मोदी सरकार की तानाशाही को झटका लगा और उन्हें मुंह खानी पड़ी। रंजन ने कहा कि इस बात को हिमाचल की जनता तक पहुंचाने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे और पार्टी को मजबूत कर लोकसभा चुनाव में हिमाचल की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। रंजीता रंजन ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाता था। मोदी ने चुनाव के दौरान भारत के युवाओं को रोजगार देने की बात तो की, लेकिन किसी को रोजगार नहीं दिया, उल्टा उन्हें पकौड़े तलने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने, स्वास्थ्य सेवाएं देने, किसानों का कर्ज माफ करने, सैनिकों की रक्षा करने, सड़कों का निर्माण करने और महिलाओं की सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में विफल रही है। रंजन ने कहा कि मोदी कहते हैं कि 48 साल बनाम 48 महीने, तो देश की जनता जान चुकी है कि मोदी सरकार ने 48 महीनों में क्या किया। मोदी का जो कांग्रेस मुक्त सपना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 48 महीने में ही देश मोदी और भाजपा मुक्त होने वाला है। इसका परिणाम कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में सामने आने वाला है। उन्हें क्या जवाब आप देंगे? देखिए, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस मुक्त का नारा दिया, आज वो कर्नाटक मुक्त हुए, गोवा मुक्त भी थे, मणिपुर मुक्त भी थे, इवन आप मेघालय में आपकी दो सीटें आई और आपने जो तमाशा किया था, तो मुझे लगता है आगे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, 2019 का है, बहुत जल्द। आप खुद बोलते हैं मोदी साहब की 48 साल बनाम 48 महीने, तो मुझे लगता है आपका खेल तो 48 महीने में ही मोदी मुक्त और बीजेपी मुक्त हो जाएगा। मैडम, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी चुनावों के दौरान, लेकिन आज देश के युवा मतलब नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही। आप हमेशा जब इलेक्शन में देखेंगे तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम करके, यूपी में चुनाव था तो सर्जिकल स्ट्राइक, यूपी में चुनाव था तो हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, आप लव जिहाद की बात, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए। और हम लोगों ने, आप राहुल गांधी जी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हमेशा से रोजगार की बात की। हम उनसे कर्नाटक में भी जवाब मांग रहे थे, आप इवन हिमाचल में भी जवाब मांग रहे थे, हर जगह पर, कि आपने रोजगार नहीं दिया। आपने बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ देंगे। आज जिस तरह से आप फेलियर हुए हैं कि जो रोजगार का सिनेरियो था कि एवरेज कि एक साल में इतना मिलता, आप उससे भी नीचे गिर गए, तो मुझे तो लगता है कि हर सेक्टर पे वो फेल हुए, चाहे रोजगार का हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे रूरल एरिया के डेवलपमेंट की बात हो, इवन कि हेल्थ सेक्टर में आपने, आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन आपने बजट घटा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, यहीं पे जब चुनाव था तो आपने 60,000 करोड़ की सड़कों की घोषणाएं की, जो हमारा दिल्ली का, पूरे भारत का बजट ही नहीं। ये जो जुमलोबाजों की सरकार थी, हर सेक्टर में ये फेलियर है, तो मुझे लगता है यही बात हम लेकर जा रहे हैं। और हालात आपने जीएसटी और नोटबंदी के बाद जिस तरह से बद से बदतर किए हैं, आज कर्नाटक में आपको अर्बन एरिया ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो ये दिखा रहा है कि जिसको आप कार्डर कहते थे कि हर व्यक्ति को पहले पेट में भोजन चाहिए, अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में हर सेक्टर को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बीपीएल हो, एपीएल हो, सबको उसके लायक काम मिला हुआ था और वो अपनी जगह पर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर पा रहा था। अब हम रोजगार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़े तल लो, तो उनका त्रिपुरा का सीएम कहता है कि पान की दुकान खोल लो। हमारे वक्त में अगर इंजीनियर था तो वो इंजीनियर की नौकरी पा रहा था। हमारे वक्त में आप कहते हैं मैं बहुत छोटी जगह से आए, आपने सपना देखा प्रधानमंत्री बनने का, तो यूपीए गवर्नमेंट की देन थी तो आप प्रधानमंत्री बने। पर मोदी साहब और बीजेपी अपनी गवर्नमेंट में इंजीनियर डॉक्टर को कह रही है कि भैया पान की दुकान खोलिए, तो यह फर्क अब लोगों को समझ में आ रहा है और यही फर्क कांग्रेस को दोबारा लेकर आया।
किया गया है, क्या मकसद है और क्या उद्देश्य है? देखिए, अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है। 2019 का चुनाव सामने है और जो दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से हुक एंड क्रूक संविधान को एक साइड रखकर, कानून को एक साइड रखकर, लोकतंत्र को एक साइड रखकर, जिस तरह से वो सिर्फ सत्ता हथियाना का काम करना चाह रहे हैं, वो लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र को लेकर राज करना नहीं चाहते। आज जो कर्नाटक में हुआ उसके बाद इतनी फजीहत हुई, पहली बार गवर्नर की फजीहत हुई, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, तो आज जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, और आज बिहार को ले लें आप, मणिपुर को ले लें, गोवा को ले लें, सब जगह पर जो बड़ी पार्टी थी उन्होंने कोर्ट में अपील की है कि हमें गवर्नर को बुलाना चाहिए था। जो पूरे देश में सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो 2019 बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी सरकार पूरे हिंदुस्तान में ना रहे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ शासन करने के लिए, कुछ भी दाम साम दंड भेजने के लिए लोकतंत्र की जो सत्यानाश किया है, तो उसके लिए हिमाचल एक बहुत अहम स्टेट है और हमेशा से हिमाचली लोग कांग्रेस की सोच रखते रहे हैं। अब 19 का चुनाव है, आगे की रणनीति तय करनी है, किस तरह हम मजबूती से हिमाचल में चुनाव लड़े और क्या कमियां लोगों की है, क्या डिमांड है, जो सपना दिखाकर ये 2014 में आए थे और जो सपना दिखाकर ये हिमाचल की सरकार में आए। और लगातार आपको याद होगा ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की सरकार है, जब हिमाचल में चुनाव हो रहे थे उससे पहले कोटखाई में एक रेप केस हुआ, हम सबके घर में बच्चियां हैं, पहाड़ों में रेप केसेस बहुत कम होते हैं, ये पूरे देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उस मुद्दे को, सिर्फ एक रेप को, उसी वक्त हरियाणा में भी रेप हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, लेकिन सिर्फ हिमाचल में चुनाव है, सिर्फ एक केस को हाईलाइटेड किया गया। अब एक जो विक्टिम भी पकड़ाया वो एक रेपिस्ट था, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसकी, उसको पॉलिटिकल मूवमेंट दी गई, उस बिहाव पर आप गवर्नमेंट बनाना चाह रहे थे और जब आपकी गवर्नमेंट आई तो 100 के करीब रेप हिमाचल में हो चुके हैं, आपका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, आपने जितने भी वादे किए एक भी फुलफिल नहीं हुआ है, तो इन सब बातों का जवाब लेने के लिए आज हम हिमाचल को मजबूत करने आए हैं, उनसे जवाब मांगने आए हैं और अपने संगठन को मजबूती देने आए हैं, और आगे जो 2019 में है, जो इनके मुंगेरी लाल के सपने हैं पूरे लोगों तक पहुंचे, और इनका जो पोल आज कर्नाटक में भी खुला है, पूरे देश में मैसेज दिया है, हिमाचल में मैसेज दिया है, तो 2019 में कांग्रेस को जिताना है, इसलिए सांसद नहीं बनाना है, इस देश में लोकतंत्र का सम्मान, कोर्ट का सम्मान, एक पद का सम्मान और संविधान का सम्मान जो पार्टी नहीं करती है और पैसे के बल पे सिर्फ सत्ता पाना चाहती हो, उसको इस दिल्ली की सरकार से दरकिनार करने के लिए हिमाचल को मजबूत करना है। उसकी रणनीति के लिए आज लोकसभा कांगड़ा की मीटिंग है, करीब करीब विधानसभा से जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ब्लॉक के हैं, कार्यकर्तागण है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एमएलएज है, एक्स एमएलएज है, जो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम हिमाचल को मजबूत। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली जा रही है और आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है और चारों सीटें जीतकर पार्टी को मजबूती प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने काम के दम पर भी चुनाव लड़ने जा रही है और जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है उसका लाभ पार्टी को अवश्य मिलेगा। पार्टी का चेहरा फाइनल होने के सवाल पर सुक्खू ने कहा कि कार्यकर्ताओं और ब्लॉक प्रतिनिधियों से सुझाव और विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आज हमारी जो कांगड़ा पार्लियामेंट की बैठक हो रही है, इस बैठक में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 5 से 10 लोगों को हमने निमंत्रण दिया है और कार्यकर्ताओं की जो आवाज है लोकसभा चुनावों में कैसे चुनाव लड़ा जाए, इस संदर्भ में ये बैठक हो रही है।
निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर आगामी विधानसभा में आगामी लोकसभा में किस प्रकार से अगले चुनावों को जीत सके, इस संदर्भ में आज बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी सह प्रभारी श्रीमती रंजिता रंजन जी भी आ रहे हैं, विधायक दल के नेता भी हमारे आ रहे हैं और कांगड़ा पार्लियामेंट के जो हमारे वरिष्ठ नेता है, ये सब नेता आज आपके सामने यहाँ पे विचार रखेंगे। मुख्य जो वक्ता है आज हमारे कार्यकर्ता है, नेता जी। आज की बैठक में क्या कोई चेहरा भी फाइनल किया जा सकता है? देखिए, चेहरा जब कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे तो बातें अपने आप ही स्पष्ट हो जाती है। चेहरा फाइनल करना हमारा दायित्व नहीं है, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दायित्व है। कई चीजों को देखकर चेहरा फाइनल किया जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का कार्य ये आज हमारे लोकसभा क्षेत्र वाइज कांगड़ा पार्लियामेंट में किया। कर्नाटक के चुनाव अभी संपन्न हुए, जिसका चुनाव परिणाम सामने आया, काफी उथल पुथल भरी राजनीति है, ये कैसे देखते हैं? पिछले चार वर्ष से दो प्रकार की विचारधारा इस देश में राज कर रही है, एक झूठ की विचारधारा, एक सच की विचारधारा है और हमेशा सत्य में जयते हुए कर्नाटक की जीत सच की विचारधारा की जीत है। राहुल गांधी जी की सोच में सच्चाई है, उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंत में जीत सच्चाई की हुई, इसलिए ये जीत आम जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और पराजय झूठ की विचारधारा है। क्या इस जीत से क्या आने वाले चुनावों में 2019 में कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, चुनावों में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर, अपनी विचारधारा के दम पर और जो हमने कार्य किया उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा रणनीति और आगामी लोकसभा के चुनावों में जरूर।